मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बालाघाट में सोमवार को स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इसमें कुछ कर्मचारी मत पत्रों को इकट्ठा करते दिख रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया चुनाव आयोग पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की है। इधर बालाघाट एसडीएम ने कहा कि लिफाफे में बंद मतपत्रों के 50-50 बंडल बनाए जा रहे थे, ये रूटीन प्रोसेस है। प्रदेश कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। बालाघाट जिले में कर्मचारियों, दिव्यांगों, बुजुर्गों ने बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले थे। ये मत पत्र ट्रेजरी ऑफिस में रखे गए हैं। कलेक्टर बालाघाट ने इस मामले में ट्वीट किया, बालाघाट विधानसभा 111 के डाक मत पत्र के शॉर्टिंग के लिए विधानसभा में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी गई थी। उनकी उपस्थिति में हुए कार्य के बाद स्ट्रांग रूम बंद करते समय पंचनामा भी बनाया गया था, जिस पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी पहुंच गए स्ट्रांग रूम। कांग्रेस नेता शफकत खान ने बताया कि सोमवार दोपहर 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। इसमें रखे पोस्टल बैलेट के बंडल बनाए जा रहे थे। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी। बताया कि कर्मचारी बंडल खोलकर गिनती कर रहे हैं। सूचना पर बालाघाट के कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे समेत कई कार्यकर्ता भी पहुँच गए थे। यहाँ पोस्टल बैलेट लिफाफे में अलग अलग रखे थे। हमने आपत्ति जताते हुए पूछताछ की, यहाँ मौजूद कर्मचारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। कांग्रेस नेता शफकत खान ने बताया कि हमने एसडीएम गोपाल सोनी से बात की। उन्होंने बताया कि 50-50 के बंडल बनाकर रख रहे हैं, जिससे आसानी से गिनती की जा सके। इसके बाद स्ट्रांग रूम को बंद किया जाएगा। हमारी मांग है कि जो भी काम किया जाए उसकी सूचना दी जाए। कांग्रेस ने निर्वाचन पदाधिकारी से भी शिकायत की। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसका वीडियो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा। निर्वाचन आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पहले ही कांग्रेस ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। बालाघाट में तय तिथि से पहले ही कर्मचारियों ने मतपत्र खोले हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धनोपिया ने कहा कि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कैसे स्ट्रांग रूम खुलवा दिया और पोस्टल बैलेट कर्मचारियों के हवाले कर दिए। वीडियो में कर्मचारी पोस्टल बैलेट की गड्डियां बनाते दिख रहे हैं, यह गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस काम में कलेक्टर और विधायक गौरी शंकर बिसेन से मिलीभगत है। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि पोस्टल बैलेट के लिए बनाया स्थायी स्ट्रांग रूम रोजाना 3 बजे खुलता है। इस दौरान लिफाफे में बंद मत पत्रों को 50-50 के बंडल में रखा जाता है। इसकी सूचना राजनीतिक दलों को दी जाती है। आज भी हम ये काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि पोस्टल बैलेट को फैला दिया गया है, कुछ गड़बड़ी है। इस स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी भी लगे हैं। निर्वाचन में कोई अवकाश नहीं होता, इसलिए गुरु नानक जयंती के दिन भी हम ये काम कर रहे थे। कमलनाथ बोले, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मामले में कहा कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुस्तैद रहने की अपील की है। उन्होंने ये ट्वीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।